नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सब। बुध दिन से हो भोरे से जनकपुर में तनाव, ठाम ठाम में झड़प, पुलिसक गोली लाग दर्जन से बेसी घायल। स्थानीय प्रशासन जनकपुर में दोपहरिया 12 बजे से सरकारी कार्यालय सब रहल क्षेत्र अनिश्चित काल के लिए निषेधित क्षेत्र घोषणा कलक। पिछला 9 दिन से आमरण अनशन में बैसल इंद्र कुमार मधेशानंद के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर, जनकपुर अंचल अस्पताल में भर्ना कराओल गेल। कांग्रेसक मधेशी सब एकजुट संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराओ तो ए माओवादी सभासद के कोनो हुईप नहीं लगाओत। आ विजय गच्छेदार नया मधेशी आ थारू मोर्चा केलक घोषणा, सरकार के 19 गते धर के देलक अल्टीमेटम। विभिन्न चौक पर स्थानीय पुलिस बीच झड़प के बाद जनकपुरक अवस्था तनावग्रस्त बनल। जनकपुरक भानु चौक, जनक चौक, विद्यापति चौक, जीरो माइल लगायत के क्षेत्र में पुलिस आ प्रदर्शनकारी बीच बुध दिन झड़प भेल छल। स्थिति नियंत्रण में लेबा पुलिस जनकपुरक विद्यापति चौक पर मात्र 5 राउंड हवाई फायर आ 5 राउंड अश्रु गैस प्रहार कने छल। प्रदर्शनकारी जनकपुरक राम चौक आ विद्यापति चौक से अवरुद्ध चौक के बाट अवरुद्ध कला के बाद पुलिस सुचारू कर रहा समय में झड़प के अवस्था आयल छल। विद्यापति चौक पर चढ़ायल गेल अश्रु गैसक गैस घर में आराम कर रहा एक महिला के लगला के बाद वो बेहोश भेल छत। रीमा घिमरे नाम रहल महिला के अंचल अस्पताल जनकपुर में भर्ना कराओल गेल। जनकपुरक जनक चौक में अवस्था नियंत्रण में आना पुलिस जनक चौक आ शिव चौक के बीच में दर्जनों राउंड अश्रु गैस प्रहार कने छल। एम्हर संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चाक कार्यकर्ता नेपाल दूरसंचार कार्यालय में तोड़फोड़ केने अछि। 40-50 गोटे के संख्या में रहल मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सब क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका 5 महेंद्र नगर स्थित रहल नेपाल दूरसंचार कार्यालय में तोड़फोड़ केने छल। तोड़फोड़ में कार्यालय के गेट, खिड़की सहितक सामान सब, कार्यालय में रहल सर सामान सब से तोड़फोड़ केने अछि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा द्वारा जनकपुरक ढलकेबर सड़क खंड अवरुद्ध कने छल। जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड स्थित महेंद्र नगर के नया बाजार स्थित पुल में पाथर, जाली, बांस, सपेता सब राखि कऽ सड़क अवरुद्ध कने छल। तहिना जलाद नदी के पुल के नीचा बान बान्ह के लेल रखने पाथर साइड में रहल जाली आ किसान सब काट कर रखने सपेता के गाछ सब एक से सब बेसी के संख्या में रहल प्रदर्शनकारी सब सड़क में राखि कऽ जाम, विभिन्न किस्म के नारा जुलूस लगायत के टायर में आग बार के प्रदर्शन कलक। अवरुद्ध करित काल एम्बुलेंस, साइकिल, मोटरसाइकिल, प्रहरी के भ्यान, सशस्त्र के बड़का गाड़ी तथा पैदल चल वाला यात्री सब के सेहो आवाजाही में दिक्कत भेल छल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा में आंदोलनरत समूह महेंद्र नगर के एम्बुलेंस तोड़फोड़ कलक। जनकपुर ढलकेबर सड़क खंड अंतर्गत महेंद्र नगर सखवा चौक कहा वाला स्थान में एम्बुलेंस तोड़फोड़ भेल। जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल के J16510 नंबर के गाड़ी में तोड़फोड़ भेल। वही संस्था के लिए तेल लाव वाला तेल लाव जायत काल आंदोलनकारी सब तोड़फोड़ कने छल। जनकपुरक विभिन्न चौक में भेल विरोध प्रदर्शन आ झड़प के क्रम में कमती में एक दर्जन व्यक्ति घायल भेल। प्रदर्शन के क्रम में पुलिस के पिटाई से आ गोली प्रहार से 12 गोटे घायल भेल। 4 गोटे के पुलिस के गोली लागल। जनकपुरक विद्यापति चौक में पुलिस के पिटाई से घायल भेल जनकपुर नगर पालिका वाड़ा नंबर 4 के उमानाथ झा के अवस्था चिंताजनक रहल। हुनका माथ में गंभीर चोट लागल। घायल भेल सब में मनीष यादव, ऋषिकेश नायक, विजय शाह, सूरज शाह, संतोष सोनार, हबीब साफी, जितेंद्र यादव, चंदन शाह, राजाराम कापड़, प्राध्यापक सुरेंद्र राय, सरोज कुमार मंडल घायल भेल छथि। मंडल के पुलिस घेर कर जनकपुरक जीरो माइल में पीटपाट कने छल।
मंडल के माथ में गंभीर चोट लागल है। बुध दिन दिनभर पुलिस सब विभिन्न ठाम स्थान में घर घर में सेहो पैस कर पीटपाट केने छल। प्रहरी फेंकने पत्थर लायक जनकपुर के शिव चौक में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष परमेश्वर शाह से सामान्य घायल भेल छथि। जनकपुरक विद्यापति चौक, भानु चौक, शिव चौक आ जीरो माइल सहित क्षेत्र के अवस्था काल दिन भर तनावग्रस्त रहल। स्थानीय प्रशासन जनकपुर में दोपहरिया के 12 बजे से सरकारी कार्यालय सब रहल क्षेत्र निश्चित काल के लिए निषेधित क्षेत्र घोषणा केने अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनसा में बुध के भोर भेल सुरक्षा समिति के बैसार से जनकपुरक विद्यापति चौक से कदम चौक, भूतनाथ मंदिर से आंतरिक राजस्व कार्यालय आ उत्तिमपुर से कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय धर के क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषित कैल गेल। धनसा के प्रमुख जिलाधिकारी कारी प्रसाद पराजुली जनतब देलन वही क्षेत्र में सभा जुलूस प्रदर्शन नाराबाजी धरना लगायत की गतिविधि पर रोक लगाल गेल। प्रजीय पराजुली के कहब छन जनकपुर में भोरे से होत आयल विरोध तथा प्रदर्शन उग्र भ सरकारी कार्यालय सब में क्षति पहुंचा सकत है संभावना के देखत अधिकांश सरकारी कार्यालय रहल 3 किलोमीटर क्षेत्र के परिधि के निषेधित क्षेत्र घोषित कैल गेल। सुरक्षा समिति के बैसार में धनसा के प्रमुख जिला अधिकारी, नेपाल पुलिसक प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र पुलिसक प्रहरी उपरीक्षक, नेपाली सेनाक कैप्टनक उपस्थिति रहल छल। पिछला 10 दिन से आमरण अनशन में बैसल इंद्र कुमार मधेशानंद के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर भेला के बाद हुनका जनकपुर अंचल अस्पताल में भर्ना कराल गेल छन। मधेशानंद के जनकपुर अंचल अस्पताल के अंतरंग विभाग में राखल गेल छ। मधेशानंद के स्वास्थ्य अवस्था में गंभीर भेला के बाद अस्पताल भर्ना कराल गेल। जनकपुर अंचल अस्पताल के मेसू संजय ठाकुर जनतब देलन ठाकुर 24 घंटा चिकित्सक के निगरानी में राखल देने सुझाव बमोजिम इंद्र कुमार मधेशानंद के अस्पताल भर्ना कराल गेल। संविधान सभा में रहल मधेशवादी दल सब के सभासद पद से राजनामा, मधेशी के हक अधिकार सुनिश्चित कर दू मुद्दे मांग रखित मधेश अधिकार संघर्ष समिति के सलाहकार इंद्र कुमार मधेशानंद भादव 8 गते से आमरण अनशन में बैसल छथि। मधेश अधिकार संघर्ष समिति मधेशानंद भर्ना कैल गेल जनकपुर अंचल अस्पताल के अंतरंग विभाग में आमरण अनशन के बैनर टंगे छथि। मधेशी के मांग संबोधन कर मांग करते नेपाल पत्रकार महासंघ धनसा शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में दबाव रैली निकालने है। नेपाल पत्रकार महासंघ धनसा मधेशी मुस्लिम थारू तथा उत्पीड़ित समुदाय के मांग संबोधन कर मांग करते दबाव स्वरूप शांतिपूर्ण रैली निकालने है। जनकपुर के जानकी मंदिर से निकल जुलूस राम चौक, जनक चौक होते शिव चौक में जाकर संपन्न भेल छल। जुलूस में जनकपुरक संचारकर्मी सब संगे नागरिक समाज, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष शिव शंकर शाह लगायत के उपस्थिति रहल छल। महतारी जिला के सदर मुकाम जलेश्वर में बुध दिन दिनभर आंदोलनकारी आ सुरक्षाकर्मी बीच दुतर्फी भिड़ंत भेल छल। झड़प के क्रम में सुरक्षाकर्मी लाठी प्रहार कैला से 6 गोटे आंदोलनकारी घायल भेल। प्रदर्शनकारी सब बुध दिन भिनसरे जलेश्वर के जीरो माइल में रहल प्रहरी के बीट जरवनीय छल। बेरिया में प्रदर्शनकारी सब लोक सेवा आयोग के जनकपुर अंचल कार्यालय में पाथर प्रहार का तोड़फोड़ केने छल। बेरिया से जारी रहल प्रदर्शनकारी के प्रदर्शन आ पाथर प्रहार के प्रतिकार के क्रम में बेला एक डेरा नरअनियार मेथल यादव सहित 6 गोटे घायल भेल। वह क्रम में सुरक्षाकर्मी 2 राउंड रबर के गोली फायर केने प्रत्यक्षदर्शी जनौलेने। जलेश्वर में बुध के साँझ में सेहो प्रदर्शनकारी आ सुरक्षाकर्मी बीच पाथर प्रहार करके आ सुरक्षाकर्मी सब खिहार के आ लाठीचार्ज करके क्रम जारी छल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा खैरा चौक से शुरू केने रैली जलेश्वर के महालिंग मंदिर धर पहुँच कर सम्पन्न भेल छल। अहिना नेपाल बार एसोसिएशन के जिला अदालत महोतरी इकाई मधेश आंदोलन प्रति एक के वेदता जनबैत जलेश्वर में रैली निकाललक। वहीठाम एकीकृत नेकपा माओवादी के वर्गीय संगठन मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, नेपाल क्रांतिकारी आयोजना के सफल मधेश आंदोलन विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष राम कुमार शर्मा संयुक्त मधेश आंदोलन के लिए सब पक्ष के एकजुट होब परत धारणा रखत सशक्त रूप में आगू बढ़ा आग्रह केने रह। अंतरक्रिया में मधेशी मोर्चा सहित नागरिक समाज के प्रतिनिधि सब संपूर्ण जनमानस के मधेश मुक्ति के यो ई आंदोलन में लागत सबसे अनुरोध केने। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर सरकार संग तत्काल वार्ता के संभावना नहीं रहल बतौलन। तमलोपा के अध्यक्ष ठाकुर बुध दिन अपने पार्टी के मुख्यालय में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते सत्तारूढ़ दल सब मधेश आंदोलन के अखनो गौन के रूप में लेने कहते तत्काल सरकार संग वार्ता के संभावना नहीं रहल बतौलन। ओ अपने वार्ता के लिए काठमांडू नहीं आयल सेहो दावी कलन।
तमोलपाक अध्यक्ष ठाकुर प्रधानमंत्री सुशील कोइराला अपना के टेलीफोन क भेट बजैतु सेना के बैरक में फिरता कर के विगत में समझौता कार्यान्वयन कर के लगाये के विषय में किछ उल्लेख नहीं केने कहते एहन अवस्था में अपने सब आंदोलन छोड़ कर वार्ता में नहीं जाए बतौलन। ओ मधेसी जनता के चाहना के व्यवस्था क संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगू बढ़ा कर अपन दल संविधान सभा से बढ़ात बतौलन। हामी संविधान सभा छोडेको छैनौ, न कुनै न कुनै समिति, हामी आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्छौँ र त्यसपछि त्यो प्रक्रियालाई त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर, किनकि हाम्रो सुनवाई नै भइरहेको छैन, हामी आफ्नो विरोध दर्ज गराउँछौँ, जान्छौँ र विरोध दर्ज गराउँछौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा छलफल भयो भने तब न चाहिँ त्यहाँ बस्ने अवस्था हुन्छ र फर्दर केही हुन्छ। तमोलपा संघ संविधान सभा में 10 गोटे सभासद अछि। ओ 7 प्रदेश के सीमांकन प्रति मधेश में प्रमुख दल के नेता तथा कार्यकर्ता असंतुष्ट रहल कहत वह असंतुष्टि के कारण आंदोलन में दिन दिन जनता के सहभागिता बढ़ल बतौलन। प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब सम्मिलित विशेष समिति में रहल मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक के 7 प्रदेश के सीमांकन के विरोध में आंदोलन के लिए मोर्चा बनौने अछि। फोरम लोकतांत्रिक अपने से अलग भक गठन केने राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी आ फोरम गणतांत्रिक के समेट कर संघीय गणतांत्रिक मोर्चा बनौने अछि। फोरम लोकतांत्रिक के संसदीय दल के कार्यालय में बुध दिन बेरिया में पत्रकार सम्मेलन कर मोर्चा गठन के घोषणा केने अछि। संविधान सभा में ओ 3 दल संग 18 गोटे सभासद अछि। मोर्चा के घोषणा करैत तीनू दल के नेता सब थारू आ मधेसी समुदाय के आवाज के संबोधन कर जका संविधान के परिमार्जित विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं कैल गेल त अपने सब संविधान सभा सब बहरा के उद्घोष करें। संशोधन प्रस्ताव पेश कर के म्याद आगामी 7 दिन धरे अछि। फोरम लोकतांत्रिक के अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदार, राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी आ फोरम गणतांत्रिक के अध्यक्ष राजकिशोर यादव 7 प्रदेश के सीमांकन से थारू आ मधेसी समुदाय के आवाज के संबोधन नहीं केने कहते संविधान सच्यावय लेल 7 दिन धरि के संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं कैल गेल त अपने सब संविधान निर्माण के प्रक्रिया से अलग भक आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलन। सात प्रदेश के सीमांकन के विरोध में अखन थरवट संयुक्त संघर्ष समिति या 4 मधेसवादी दल सब तराई बंद क प्रदर्शन करते आबि रहल अछि। फोरम लोकतांत्रिक अध्यक्ष गच्छेदार प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब रहल विशेष समिति के सदस्य भेल नाता से 3 दिन के बीच में सहमति जुटाब अपने सब जते सके तते प्रयास करब बतौलन। नेपाली कांग्रेसक मधेसी तथा थारू सभासद सब 5 बूंदे माग पूरा नहीं हाथ पार्टी निर्देशन विपरीत संविधान सभा में संशोधन प्रस्ताव दर्ता कर के चेतावनी देनी अछि। प्रदेश सीमांकन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नागरिकता में विभेद अंत्य आ हरेक निकाय में समावेशी समानुपाती के प्रतिनिधित्व के मांग रखैत पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमंत्री के ऐसा आगू सामूहिक रूप में बुझौने 5 बूंदे ज्ञापन पत्र वो सब फिर झकझक्यौने अछि। नेपाली कांग्रेसक दिशा संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करय वाला 58 गोटे मधेसक सभासद के 5 बूंदे ज्ञापन पत्र कार्यान्वयन होब परत में सहमति रहल एक सभासद बतौलन। मधेसी तथा थारू समुदाय आंदोलित भ रहल अवस्था में संविधान सभा से अतवे संविधान मसौदा अहिना संविधान मसौदा आगू बढ़ाव नहीं सक के आराम रखते वो सब हाल तराई मधेस में जारी आंदोलन के अपन वो 5 बूंदे प्रस्ताव से पूरा करके विश्वास से देने अछि। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा में पार्टी के हुई पर लागत की व्यवस्था नहीं हाथ तो संशोधन प्रस्ताव नहीं रख सभासद सब के निर्देशन देने चल मुदा मंत्री तथा सभासद विमलेन्द्र निधि सहित मधेसी थारू सभासद सब अपन प्रस्ताव के सुनवाई नहीं हाथ तो पार्टी नीति उल्लंघन करत व्यक्तिगत संशोधन कर के चेतावनी देने चल। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला सहित शीर्ष पार्टी नेता सब बुद्धिन भिनसरे संसदीय दल बैसार में सभासद सब के समझाव खोजतो असंतुष्टि सामने नहीं भेला के बाद बेरिया में 4 बजे फिर से बैसार बैसल छल। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार के आंदोलन ऊपर धरपकड़ बंद नहीं कर धरि तथा विगत में भेल समझौता कार्यान्वयन के प्रतिबद्धता नहीं जनाब धरि वार्ता में नहीं बैसब बतौलक अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बुद्धिन ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन क अपने सब कोनो जाति विशेष या समुदाय के पक्ष में नहीं भ सब उत्पीड़ित वर्ग के हित के लिए आंदोलन केने कहते सेना के बैरक में फिरता कक
विगत में भेल सहमति कार्यान्वयन के प्रतिबद्धता नहीं जनाब धरि वार्ता में निवेशक बतौलक फोरम नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आंदोलन दबाव लेल सरकार सुरक्षाकर्मी परिचालन केने अवस्था में अपने सब कोनो हालत में वार्ता में नहीं बैसा बतौलन ओ वार्ता कर के या नहीं कर के चाभी सरकार के हाथ में रहल बतौलन तो अहिलेसम्म झन वार्तालाई बिगार्दै त्यसको वातावरणलाई झन बिगार्ने काम राज्यले गरेको छ जबसम्म बन्दुक छ राज्यको जबसम्म विगत का समझौता माथिको कमिटमेन्ट त्यसलाई कायम गर्ने कार्यको थालनी हुँदैन वार्ताको के अर्थ होला र यी कार्यहरू गरेर वातावरण बनाएको खण्डमा मात्र वार्ता हुन सक्छ अहिलेको यथास्थितिमा वार्ता को कुनै अर्थ छैन कुनै चाहिँ के छ नि अर्थ नै रहन्न यथास्थितिमा वार्ता सम्भव छैन त्यो वार्ताको परिस्थिति बिगारेको सरकारले भएको हुनाले निर्माण गर्ने कार्य पनि सरकारको हो यथास्थितिमा वार्ता हुन सक्दैन फोरम नेपालक अध्यक्ष यादव थारू तथा मधेसी सबके आन्दोलन में दिन दिनै गोली चलेला से सत्तारूढ़ दल सब वार्ता से समस्या के समाधान खोज के पक्ष में नहीं रहल देखल गेल सेहो बतौलन ओ सरकार ऊपर जातिवाद आ संप्रदायवाद के प्रोत्साहन केने आरोप सेहो लगौलन ओ हिंदू राष्ट्र के मांग करते कांग्रेस नेता खून बहादुर खड़का निकालने जुलूस से निषेधित क्षेत्र तोड़ित काल पानी पानि के फौरा प्रयोग केनाई मुदा मधेश में दल के प्रदर्शन में गोली प्रहार केनाई सरकार संप्रदायवादी चिंतन से ग्रसित रहल पुष्टि भेल बतौलन को फुहारा खाने त्यही ठाउँमा अर्को समुदाय मधेसीहरू जाँदाखेरि त्यहाँनिर गोली बर्साउने यो चिन्तन नस्लवादी चिन्तन हो यो जातिवादी चिन्तन हो यो सम्प्रदायवादी चिन्तन हो जो राज्यको छ फोरम नेपालक अध्यक्ष यादव सात प्रदेश के सीमांकन कुन हालत में स्वीकार नहीं करब कहते देश के विभिन्न भाग में देखल गया असंतुष्टि साम्य कर संविधान निर्माण के काज किछ समय के लिए रोक वार्ता के पहल प्राथमिकता देवव्रत बतौलन शीर्ष नेता सब सहित संविधान सभा में बैसल ए माओवादी संसदीय दल की बैसार से संविधान विधेयक ऊपर अपन सभासद के व्यक्तिगत रूप में संशोधन प्रस्ताव लजाब के छूट देने आई मतदान में सेहो सभासद सब अपने अपना खुशी मतदान कर सक के छूट देने आई ऐसे आगू कांग्रेस एमाले आ माओवादी बीच सभासद सबके व्यक्तिगत रूप में संविधान विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लजा नहीं देव के सहमति भेल छल सहमति अनुसार एमाले आ कांग्रेस अपन सभासद सबके संविधान विधेयक में व्यक्तिगत संशोधन दर्ता कर आ पार्टी नीति विपरीत मतदान कर रोक लगौने छल नेतृत्व संग सलाह क संशोधन प्रस्ताव लजा पाब के निर्णय भेल अछि नेकपा माओवादी का अध्यक्ष मोहन वैद्य जारी आंदोलन में अपना सबके सहभागिता रहल कहित आंदोलन के दोसर उपाय के लिए तैयार रह कार्यकर्ता के निर्देशन दिले नया संविधान विधेयक में असंतुष्टि जनबत राजधानी बाहर के जिला में भेल विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनत जा रहा समय अध्यक्ष वैद्य ओ में अपने सबके संलग्नता स्वीकारित कड़ा आंदोलन के लिए तैयार रह कार्यकर्ता के निर्देशन दिले राजधानी में बुद्धिन लिपुलेक जगाओ अभियान के अभियंता सम्मान कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष वैद्य सरकार में आज संविधान सभा में रहल किछ पैघ दल से तानाशाही तरीका से संविधान बनाब के प्रयास कर रहल कहित ओहि विरुद्ध एकजुट होब निर्देशन देलन दिनेबारे हामी गम्भीरतापूर्वक हामी सुनिरहेका छौँ अब एउटा प्रतिक्रियावादको हो भन्नुहोस् त्यो पराकाष्ठा अयो प्रतिक्रियावाद आफ्नो उत्कर्षमा र पराकाष्ठामा जाँदैछ जान दिउँ त्यति नेपालको राजनीति त्यहाँ सक्किनेवाला छैन यो पराकाष्ठाबाट एउटा अध्यायसम्म पाउँदैछ फेरि नेपाली न्याय सामाजिक क्रान्तिको अर्को अध्याय नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको अर्को अध्याय सुरु हुँदैछ र साथीहरू हामी अर्को अध्यायको निम्ति सब तयार गर्नु अर्को अध्यायको निम्ति फेरि अर्को एउटा ऐतिहासिक आन्दोलनको निम्ति हामी तयार गरौँ अध्यक्ष वैद लोकतान्त्रिक संविधान बन परत कहवाला सब जनता के गोली मारिक कर्फ्यू लगाक संविधान बनाब चाहने आरोप सेहो लगौलन ओ सेना परिचालन क लोकतान्त्रिक संविधान बन नहीं सक के उल्लेख करते दोसर संविधान सभा में सेहो जनता के हाथ से
निकलके दाबी कयलन। जनता को हाथ बड़ा घुसिए को सर अब जनता को संविधान धन्यवाद सही ना सरकार में रहेगा तो संविधान स्वामी रहेगा कि ना दलहर को ना अनासाई तरीका ले अरे संविधान बनने के लिए क्या क्या सर लोकतंत्र को संविधान बनने पर संविधान में संघर्षमा अगाडि बढेका जनतालाई गोली हानेर कर्फ्यु लगाएर सेना परिचालन गरेर कथित संविधान भङ्ग गरिएका छन्। यो अत्यन्तै प्रेरणादायक कुरा हो। लोकतन्त्रको कुरा सेना परिचालन गरेर लोकतन्त्रको संविधान कुनै पनि हातमा गर्न सक्दैन। संविधान विधेयक के विरोध में हिंसा भड़क रहा समय राजधानी बाहर कैलाली आ परसा में वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सहित एक दर्जन से बेसी के मृत्यु भ चुकल है। सत्तारूढ़ नेकपा एमाले अपने जनवर्गीय पेशागत संगठन सबके सीमांकन के विरोध में देश के विभिन्न भाग में भरल प्रदर्शन विरुद्ध उत्तर निर्देशन देने है। एमाले बुद्धिन पार्टी मुख्यालय में जनवर्गीय पेशागत संगठन के प्रमुख सबके आकस्मिक भेला बजाक सीमांकन के विरोध में भ रहा आंदोलन संविधान विरोधी रहल कहित वही आंदोलन के विरोध में उतर निर्देशन देने है। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देश के विभिन्न स्थान में सीमांकन के विरोध के नाम में जातीय राज्य के मांग राख कर प्रदर्शन भ रहा मुदा वो प्रदर्शन में सहभागी सा पार्टी के कार्यालय जरबेत काल से हो देख कर बैस रहल कहित कार्यकर्ता के आलोचना कलन। वो कार्यकर्ता सबके घर पालुआ जानवर जका चुप लाग कर नहीं बैसा आग्रह करित जरावा वाला ऊपर मार के भगावा से निर्देशन दिलन। अध्यक्ष ओली सामाजिक सद्भाव भाड़ा वाला भाड़ा चाहने तथा तोड़फोड़ा आगजनी के गतिविधि के एमाले कोनो हालत में नहीं साथ बतौलन। वो ओहन गतिविधि के विरोध में उतरा पार्टी अपन सब कमिटी सबके निर्देशन द चुकल कहित जनवर्गीय संगठन सब से हो अपन सब सदस्य के संविधान विरोधी प्रदर्शन के विरुद्ध में उतारा परत बतौलन। संसदीय समिति जनकपुर के जानकी मेडिकल कॉलेज में कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक पड़े वाला हॉस्पिटल संचालन में नहीं रहल तथा शिक्षक आ अन्य भौतिक पूर्वाधार से नहीं रहल कहित पूर्वाधार के व्यवस्था के लिए निर्देशन देव सुझाव देने है। मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय समिति गठन के पांच सदस्य उप समिति शिक्षक आ अन्य भौतिक पूर्वाधार के अभाव के कारण कॉलेज के 3 से 27 गोटे विद्यार्थी के भविष्य असमंजस में रहल कहित निष्कर्ष सहित आवश्यक सब पूर्वाधार के व्यवस्था कर लेल निर्देशन देव सुझाव देने है। उप समिति आईसीयू ऑक्सीजन सीटी स्कैन लगाय के इलाज कक्ष आ उपकरण तथा शिक्षक के व्यवस्था नहीं कर कॉलेज विद्यार्थी के भविष्य ऊपर खिलवाड़ के कहित पूर्वाधार के निरीक्षण कर के लिए चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आ नेपाल मेडिकल काउंसिल के निर्देशन देव से सुझाव देने है। उप समिति सोम दिन बुझाने सुझाव प्रतिवेदन ऊपर समिति के आगामी शुक्र दिन छलफल हैत। समिति के बुद्धिनक बैसार में कारागार निरीक्षण संबंधी कार्यदल तैयार केने प्रतिवेदन से पेश भेल। 5 कर्ण राय संयोजक रहल कार्यदल तैयार केने प्रतिवेदन में कैदी बंदी के देल गेल दैत आयल सीधा खर्च बढ़ावा तथा कारागार सबके भौतिक अवस्था सुधार कर सुझाव देल गेल। व्यवस्थापिका संसद के सार्वजनिक लेखा समिति सशस्त्र प्रहरी बल के लेल खरीद कर वाला गोली गठा एपीसी लगायत के बारे में 7 दिन भीतर दर रेट सहित के विवरण उपलब्ध करावा गृह मंत्रालय के निर्देशन देने है। समिति के बुद्धिन सिंह दरबार में बैसल बैसार से सशस्त्र प्रहरी बल के एपीसी खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होइत आयल उपराग बढ़ला के बाद खरीद प्रक्रिया खरीद कैल जाय वाला सामान के दर रेट लगायत के विषय में 7 दिन भीतर विवरण उपलब्ध करावा गृह मंत्रालय के निर्देशन देने है। समिति के किछ सदस्य सशस्त्र प्रहरी बल के एपीसी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहल कहित छानबीन के मांग केला के बाद बैसार से विवरण के मांग कर के निर्णय केने है। बैसार में नेपाल टेलीकॉम के रिचार्ज कार्ड आपूर्ति के संबंध में छलफल होइत कोनो निर्णय नहीं भेल। टेलीकॉम रिचार्ज कार्ड आपूर्ति के लिए स्वदेशी कंपनी सबके भाग लेबर नहीं पावक जका 81 शर्त राखि कर टेंडर आह्वान करैत आयल कहित स्प्रिंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग पाली उजरी केला के बाद बैसार में अई विषय में छलफल भेल छल। छलफल में सहभागी सभासद सब अई विषय में उजरी करता आ टेलीकॉम दुनू के कहब सुनकर निर्णय में पहुंचा परत बतौने छल। बैसार से समिति के चालू आर्थिक वर्ष के कार्य योजना सर्व समेत स्वीकृत केने अछि।
पुलिस नकली नोट के अवैध कारोबार में संलग्न नुआकोट बागेश्वरी के दीपक न्यौपाने के 80,000 नकली नोट सहित नियंत्रण में लेने आए। महानगरीय प्रहरी परिसर बुद्धिन टेकू में पत्रकार सम्मेलन क न्यौपाने के सार्वजनिक कलक प्रहरी नेपाली रुपया 1,000 के दर के 80 थान नकली नोट सहित नेपाने के गोंगबू आकाशे पुल नीचा से नियंत्रण में लेने आई। नेपाने के वासस्थान गोंगबू से प्रहरी नोट फोटोकॉपी क नकली नोट बनाओ वाला ब्रदर कंपनी के रंगीन फोटोकॉपी मशीन एक थान, मोबाइल एक थान आ नोट काटा वाला कैंची एक थान बरामद कने आई। अनुसंधान के क्रम में नेपाने काठमांडू के बाफल स्थित प्राइम लाइफ वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा में काम करे त्याल खुल आयल प्रहरी जननी आई। नेपाने ऊपर खोटा चलन मुद्रा में मैथप अनुसंधान भ रहा है। 14 गते दीपक न्यौपाने भन्ने एकजना व्यक्तिलाई नकली नोट साथमा 80,000 दरका यो नकली नोट त्यस्तै उसको साथमा फेला पऱ्यो भने 55 थान जी उस बसिरहेको वासस्थानमा उसलाई लिएर गइसकेपछि ऊ बसिरहेको वासस्थानमा र उसँग एउटा ब्रदर कम्पनीको रङ्गिन प्रिन्टर जुन यहाँ हामीले ल्या प्रस्तुत पनि गरेका छौँ रङ्गिन प्रिन्टर र त्यो कसरी छापिरहेको थियो भनेर एउटा सामान्य फोटोकपी पेपर गरेका 13 त्यो छाप्दै प्रिन्ट गर्दै गर्दाको अवस्था पनि हामीले बरामद गर्यौँ। प्रहरी के केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँ के धापासी से 17 किलोग्राम रक्त चन्दन सहित 3 गोटे के नियन्त्रण में लेलकै छ। ब्युरो बुद्धिन अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कक अवैध रक्त चन्दन तस्करी में संलग्न 3 युवा के सार्वजनिक कलकै छ। प्रहरी टोखा नगरपालिका वार्ड नंबर 10 धापासी से मंगल दिन 17 किलोग्राम बराबर के 192 रक्त चन्दन के माला सहित स्थानीय निरोज थापा मगर काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 बसन्धुरा के प्रवेश गुरुङ आखलडुंगा माली गाविस वार्ड नंबर 8 के उद्धव बायुंग राय के नियंत्रण में लेने आई। वनजन्य वनस्पति रक्त चंदन के ओसार पसार 37 महासंधि 1975 विरुद्ध के अपराध के रूप में माने जाते हैं। वह वही दिन बेरिया में थप कार्रवाई के लिए 3 गोटे के पुलिस जिला वन कार्यालय हाथीसार बुझाने आई। चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी के अनशन में समर्थन करते त्रिवी शिक्षण अस्पताल के आवासीय विद्यार्थी सब राजधानी में धरना आ प्रदर्शन के नियम मेडिकल क्षेत्र में देखल गेल विकृति विरुद्ध विभिन्न आठ मुद्दे मांग करे आमरण अनशन में बैसल डॉक्टर केसी के समर्थन में विद्यार्थी आ राजधानी के माइतीघर मंडला में धरना देने आई। माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कर डॉक्टर केसी के मांग संबोधन कर कहक जेहन पे कार्ड लक विद्यार्थी सब मंडला सड़क बानेश्वर धरि रैली से निकालने छल। वो सब डॉक्टर केसी के मांग संबोधन नहीं आता किछो कर तैयार रहा बतानी है। काठमाडौँमा अब मेडिकल कलेज धान्न सकिँदैन भन्दा भन्दै सरकारले जुन मेडिकल कलेजहरूलाई सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ त्यसको विरुद्ध आज हामीले चाहिँ एउटा मास र्याली निकालेका थियौँ जहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा सबै सहभागी हुनुभएको थियो र हामीले अबको कार्यक्रममा सरकारले झन् उहाँको जुन माथिमा प्रतिवेदन लागू गर्नेदेखि लिएर 8 बुँदे जुन मागहरू छ त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिकन झन् उल्टो कदमहरू चाल्दै गयो भने अझ हामी सशक्त रूपमा उत्रिएर सरकारको यो सरकारको एकदम विरोध स्वरूप जे पनि गर्न तयार हुनेछौँ। आमरण अनसनमै बैसल डाक्टर केसी काठमाडौँमै थप मेडिकल कलेज धान नै सकत कहित अनुमति नै देव माथिमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायत 8 मुद्दे माग कैले नै छ। अनशन के 10 दिन बुद्धिन त्रिवी शिक्षण अस्पताल के विद्यार्थी सब सेहो समर्थन में प्रदर्शन केने छल। एम्हर सरकार मांग पूरा क चुकल दावी करे अनशन फिरता लेवा आग्रह केने अछि। सरकार निकासी प्रवर्धन क समावेशी आ दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल कर के लक्ष्य सहित नया वाणिज्य नीति तैयार केने अछि। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय वाणिज्य नीति 2065 के प्रतिस्थापन कर नया वाणिज्य नीति तैयार केने अछि। मंत्रालय बुधदिन अपने सभाकक्ष में एक समारोह के बीच उद्यमी व्यवसायी या पत्रकार सब सामू नीति सार्वजनिक केने अछि। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री सुनील बहादुर थापा आपूर्ति जन्य क्षमता के सुदृढ़ीकरण कर मूल्य अभिवृद्धि युक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा के निकासी व्यापार वृद्धि कर व्यापार घाटा कम कर क्षेत्रीय तथा विश्व बाजार में वस्तु सेवा आ बौद्धिक संपत्ति के पहुँच वृद्धि कर वाणिज्य नीति के मुख्य उद्देश्य रहल बतौलन। ओ मंत्रालय सब सरकार वाला पक्ष संग 10 महीना लंबा छलफल क नीति तैयार केने कहित नीति के कार्यान्वयन में कोनो किस्म के शंका नहीं कर आग्रह कलन। नीति में व्यापार प्रवर्धन के लिए आवश्यक नीतिगत सहयोग पहुंचाव व्यापार सहजीकरण कर आ
अंतरराष्ट्रीय निकाय समन्वयकरण निजी क्षेत्र के सहभागिता में 21 सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रेड के व्यवस्था कैल गेल। अंत में हेडलाइंस फिर से बुध दिन से हो भरि दिन जनकपुर में तनाव, ठाम ठाम में झड़प, पुलिसक गोली लागि दर्जन से बेसी घायल। स्थानीय प्रशासन जनकपुर में दोपहरिया 12 बजे से सरकारी कार्यालय सब रहल क्षेत्र अनिश्चित काल के लिए निषेधित क्षेत्र घोषणा कैलक। पिछला 9 दिन से आमरण अनशन में बैसल इंद्र कुमार मधेशानंद के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर, जनकपुर अंचल अस्पताल में भर्ना कराओल गेल। कांग्रेसक मधेशी सब एकजुट संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराओत, ए माओवादी सभासद के कोनो हुइप नहीं लगाओत। आ विजय गच्छेदार नया मधेसिया थारू मोर्चा केलक घोषणा, सरकार के 19 गते धरि के लेल देलक अल्टीमेटम। अपन ही सखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।